हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अलमनी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम उसमें है या नहीं। अगर आप एक किसान हो और आपने इनरोलमेंट कराया हुआ है आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कैसे चढ़वा लोगे या फिर ऐड करवाओगे, वो आप अपने गांव के भी LO से मिलके आप करवा लेंगे वो काम। बट यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप को बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए समय न तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं या फिर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या होगा, सिंपली सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहां पे क्या टाइप करना है, पीएम किसान सम्मान निधि। बस सिंपली आपने यही सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अपना नाम चेक करना है, मतलब लिस्ट में आपका नाम है या नहीं ये चेक करना है। तो आप थोड़ा सा पेज को ऊपर करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बेनिफिशियरी लिस्ट एक आ रहा है। तो सिंपली आपने क्या करना है, कहीं और क्लिक नहीं करना, बेनिफिशियरी लिस्ट पे आपने क्लिक कर लेना है। अब जैसे उस पेज पे करेंगे क्लिक तो आपकी स्क्रीन के सामने कुछ इस तरीके से उसका नेक्स्ट पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल रेडी रखिएगा, मतलब यहाँ पर आपको जो सारी डिटेल यहाँ पर मांगेगा वो सारी चीज़ें रेडी रखिएगा। लाइक एज आप कौन से स्टेट से हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक का है और विलेज का है, ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी स्पेलिंग की मिस्टेक करेंगे तो वहाँ पे आपका नाम शो नहीं होगा। तो जैसे कि चलिए यहाँ पे आपने सबसे पहले तो अपना स्टेट मीन्स अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब आपका जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हो, आपका इसी तरीके से जो राज्य हो आप वहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पे यूपी यू सेलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे कि ये देखिए मैंने भदोही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसके साथ ही सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपका विधानसभा कौन सा आता है, जैसे कि भदोही डिस्ट्रिक्ट में 3 विधानसभा आती है, औराई विधानसभा, भदोही और आपका ज्ञानपुर। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ज्ञानपुर सेलेक्ट कर लिया। इसके साथ ही आपका कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक जैसे अब इसमें आपके कई सारे ब्लॉक हैं, अभोली ब्लॉक है, औराई है, भदोही है, डीग है, ज्ञानपुर और सूर्यावा। तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे डीग सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे जो मैं सबमिट कर रहा हूँ या मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल के तौर पे सबमिट कर रहा हूँ, ये आप अगर कर रहे हो तो ये आप अपना ज़िला डालना, अपना सब डिस्ट्रिक्ट, अपना ब्लॉक डालिएगा, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन बचता है विलेज का। तो यहाँ पर आप अपने विलेज का नाम स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक ही नाम के कई सारे गाँव होते हैं। बाई चांस आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो आपको आपके गांव का नाम नहीं दिखेगा। तो आप यहां पे बाय धीरे धीरे ही पढ़िएगा आराम से एक एक गांव का नाम। आपका अगर इसमें गांव में आपका नाम है तो आप उसे सेलेक्ट करके आपके गांव में जितने भी लोग इसके इसमें लिस्ट है वो सबका लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए गेट रिपोर्टेड पर हमने क्लिक कर दिया। अब गेट रिपोर्टेड पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से जितने भी किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उनका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, फार्मर और जेंडर, मतलब सीरियल नंबर, फार्मर, जेंडर, मतलब यहाँ पे उन सबका नाम है और उनका जेंडर है, मतलब वो पुरुष हैं या फिर महिला हैं। तो चलिए ये देखिए अगर आपका इसमें नाम नहीं है, एग्जांपल के तौर पे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको और सारे पेज देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये देखिए दूसरे पेज पर आप देख लीजिएगा, अगर पहले पेज पर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप दूसरे पेज पर जाके आप अपना नाम चेक कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप गांव के जितने भी लोग होंगे सबका नाम इसमें अवेलेबल होगा। अगर उन्होंने पीएम किसान निधि में सम्मान निधि योजना में उन्होंने अगर अपना इनरोलमेंट कराया होगा तो यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे शो जरूर करेगा। जैसे इसी तरीके से बहुत सारे पेजेस हैं, अगर आपका नाम एक दो में नहीं आता तो तीसरे में चेक करिए, पाँचवें में चेक कीजिए, छठे में चेक कीजिए, ये आपका
अल्फाबेटिकल आएगा, मतलब ए से लेके पूरा जेड तक, तो आपका नाम जो भी अल्फाबेट से आता होगा तो उसी हिसाब से आपका उस पेज पे होगा। सो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो मैंने आपको बताया कि आप पीएम किसान सम्मान निधि में अपना नाम कैसे देखें या फिर अपना नाम कैसे चेक करें कि आपका नाम उसमें ऐड है या नहीं। सो फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।